वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम वर्कशीट नंबर 41 करने वाले हैं, क्लास 9th की, जो कि स्केड्यूल्ड है 26/10/2021 के लिए। दैट मींस ट्यूसडे के लिए, कल के लिए। ठीक है, हम इसको आज डिस्कस करेंगे डिटेल में, जिसे आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये एक अनसीन पैसेज है जो आपके एग्जाम में आता है, और इंग्लिश के पेपर में तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है इसका, क्योंकि हर साल आपके अनसीन पैसेजेस आएंगे ही आएंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको। फूड वेस्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म में FW लिख रहे हैं, फूड वेस्ट बोथ प्री कुक्ड एंड लेफ्ट ओवर इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। अभी क्या बता रहे हैं कि जो फूड वेस्ट है, चाहे वो हमने कुक किया हुआ है, चाहे वो लेफ्ट ओवर है, बचा हुआ खाना है, ठीक है, या कुक्ड खाना है, लेकिन जो वेस्ट है ये क्या होता है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है। ये होता है ना, जो नेचर में अपने आप मिल जाता है, ठीक है। ये जो वेस्ट है ये अपने आप नेचर में खत्म हो जाता है, अगर हम इसको कहीं पे थ्रो कर देते हैं या धरती के नीचे दबा देते हैं, कुछ भी अपने आप खत्म हो जाता है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ से निकलता है सब, डिस्चार्ज मतलब कहाँ कहाँ से फूड वेस्ट हो रहा है, फूड वेस्ट कहाँ कहाँ से आ रहा है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जो लोग इस खाने को बनाते हैं, इनका प्रोसेस्ड फूड वो बनाते हैं घरों से, आपको पता ही है, लेफ्ट ओवर फूड जो है उसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं, ठीक है। और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट हो गए, ट्रेवल एजेंसीज हो गई, जो वहां पे हमें खाना सर्व होता है, जो लेफ्ट ओवर फूड होता है, तो वहां से भी खा के डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है। तो अब ये क्या बात कर रहे हैं कि जो फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको ये FAO कह रहे हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये बता रहा है कि 1.3 बिलियन टन्स ऑफ जो फूड है, जिसमें फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होती है, मीट, नॉन वेजिटेरियन फूड होता है, बेकरी का खाना होता है, डेयरी जो मदर डेयरी टाइप होती है, या डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो वाला जो खाना होता है, ये सब जो है कितना वेस्ट होता है, 1.3 बिलियन टन्स ऑफ फूड जो है वो थ्रो होता है, वो बेकार जाता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ फूड वेस्ट, FW स्टैंड्स फॉर फूड वेस्ट, द अमाउंट ऑफ फूड वेस्ट हैज बीन प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स। और ये माना जा रहा है कि अभी तो इतना 1.3 बिलियन टन जो फूड है वो वेस्ट हो रहा है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में, ठीक है, इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स, 25 सालों में क्या हो जाएगा, जो ये वाला जो एशियन कंट्रीज है ना, यहाँ पे ये अमाउंट और बढ़ने वाला है, ठीक है, समझ आ गया आपको। आगे चलते हैं। इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट एनुअल अमाउंट ऑफ अर्बन फूड वेस्ट इन एशियन कंट्रीज वुड राइज फ्रॉम 278 to 416 million टन फ्रॉम 2005 to 2025, कि जो 25 में माना जाता है कि 2025 तक 416 million टन जो फूड है वो वेस्ट होगा, और अभी 2005 तक क्या था इसका रेट, 278 million टन था जो फूड वेस्ट हो रहा था, ठीक है। इसका मतलब जो है, जितना फूड वेस्ट हो रहा है उसकी मात्रा जो है वो बढ़ती चली जा रही है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं और क्या कह रहा है इस पैसेज में। अप्रोक्सीमेटली 1/4 बिलियन हेक्टेयर फर्टाइल लैंड इज यूज एनुअली टू प्रोड्यूस फूड। अब वो बात कर रहा है कि 1.4 बिलियन जो हेक्टेयर लैंड है ना, उतना लैंड जो है वो एग्रीकल्चर में लगा हुआ है, पूरे वर्ल्ड का 28% उस पर खेती होती है, ठीक है। और अब आप मुझे बताओ, जब इतने इतने ज्यादा लैंड पे खेती होती है और वो सारा खाना वेस्ट जाता है, तो कितना दुख की बात है हमारे लिए, ठीक है। आगे वो क्या कह रहा है, अपार्ट फ्रॉम फूड एंड लैंड रिसोर्स वेस्ट। अब देखो, हमने फूड वेस्ट किया और लैंड भी हमारा वेस्ट हुआ, क्योंकि उस लैंड ने, जिस लैंड पे, जिस एग्रीकल्चर लैंड पर, जिस फील्ड पे खाना उगाया गया, वो भी वेस्ट ही हुआ ना, उस पे इतने 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 टाइम तक किसान ने मेहनत करी, तो वो लैंड भी वेस्ट हुआ, क्योंकि जो वहां से खाना उगा वो तो हमने वेस्ट ही कर दिया, और तो खाना तो हम वेस्ट कर ही रहे हैं। इसके बावजूद ये दो तो है ही नुकसान इसके, और तीसरा क्या है, कार्बन फुटप्रिंट्स ऑफ फूड वेस्ट इज एस्टिमेटेड टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस एमिशंस बाय एक्यूमुलेटिंग अप्रोक्सीमेटली 3.3 बिलियन टन ऑफ CO2 इनटू द एटमॉस्फेयर पर ईयर। अब क्या होता है, अब कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है बेटा, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है कि कितना अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस आप एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आती है और मिथेन आती है। तो जो ये सारा खाना वेस्ट होता है, या तो इसको थ्रो किया जाता है या इसको जलाया जाता है, इससे क्या होता है, 3.3 बिलियन टन ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो एटमोसफेयर में आती है। तो हम एक तो लैंड वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम खाना वहां पे उगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उसके बाद फूड तो वेस्ट हो ही रहा है,
और उसमें हम कितना सारा मसाला डालते हैं, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, घी डालते हैं, ऑयल डालते हैं, तो वो सब भी वेस्ट हो रहा है। और तीसरी चीज, तो वो भी हमारा रिसोर्सेज ही है ना, तो वो सब वेस्ट हो रहा है। और तीसरी चीज, हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी अपने लिए खतरनाक बना रहे हैं, वो भी हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कन्वेंशनली, कन्वेंशनली मतलब ट्रेडिशनली, अगर हम अपने ट्रेडिशन को, फूड वेस्ट विच इज कॉम्पोनेंट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज इनसिनरेटेड एंड और डम्प्ड इन ओपन एरिया विच मे कॉज सेवरल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। अब जी क्या होता है, जो खाना होता है, ये जो हमारा सारा वेस्ट घर से निकल रहा है या फैक्ट्री से निकल रहा है, उसी के साथ ही थ्रो किया जाता है। हम थोड़ा अलग अलग करके थ्रो करते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं जो फूड प्रोडक्ट्स को, या जैसे अगर हमने किसी घर में सब्जियां छीली हैं तो उसके वेस्ट को और बाकी के कूड़े को अलग अलग रखते हैं, ज्यादातर सब इकट्ठा ही करते हैं। तो ये सबको क्या किया जाता है, इनसेनरेट, इनसेनरेट मतलब जला दिया जाता है। ठीक है, बचे हुए खाने को या तो जला दिया जाता है या डंप या फेंक दिया जाता है किसी ओपन एरिया में। और ऐसा करने से क्या होता है, वही बात है कि इसमें से गैसेस रिलीज होती हैं जो हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छी नहीं होती हैं। ठीक है, इनसिनरेशन ऑफ फूड वेस्ट कंसिस्टिंग हाई मॉइस्चर कंटेंट रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ डायऑक्सिन्स व्हिच मे फर्दर लीड टू सेवरल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। और अगर ऐसा ऐसा खाना जलाया जाता है जिसके अंदर ज्यादा मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर समझते हैं पानी की मात्रा जिसमें थोड़ी ज्यादा होती है, उस खाने को अगर जलाया जाता है तो वो डायऑक्सिन मात्रा में डायऑक्सिन छोड़ देता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे अलग तरह के डायऑक्सिन वो एटमोसफेयर में छोड़ देता है, जिससे कि और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए देयरफॉर एप्रोप्रिएट मेथड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फूड वेस्ट। इसलिए हमें अपने खाने को मैनेज करना आना चाहिए जिससे हम इस फूड वेस्ट को रोक पाए, क्योंकि एक तरह का इससे खतर प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इससे तीन तरह की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे एक तो लैंड वेस्ट हुआ, एक फूड वेस्ट हुआ, एक तीसरा हमारा एनवायरमेंट को भी ये खराब कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, सम ऑफ द स्टेप्स विच वी कैन फॉलो एट होम। क्या क्या हम घर पे ध्यान रख सकते हैं कि हम अपने पूरे हफ्ते का खाना प्लान कर ले कि हम क्या बनाएंगे और क्या नहीं बनाएंगे। ये नहीं है कि ना चार पांच आइटम्स बना लो और उसे खाओ एक चीज और बाकी चीज वेस्ट हो जाए। ठीक है, दूसरी बात, हम क्या ध्यान रखेंगे, बेस्ट बिफोर, जो है जो पहले बेस्ट है उसको खा के खत्म करो। पैकेजिंग का ध्यान रखो कि खाना ढंग से पैकेज हो, जब आप खरीदते हैं तो पैकेजिंग सही हो उसकी। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, पैकेजिंग उसकी खराब होगी, आप घर ले जाएंगे, उसकी पैकेजिंग खराब होगी या छेद हो रहा होगा, वो जल्दी खराब हो जाएगा, फिर वो आप डंप ही करेंगे, फाइनली आप खराब खाना तो खा नहीं पाएंगे। एक्सपायरी डेट देख के खाना खरीदिए, कोई भी आप फूड आइटम्स खरीदते हैं तो उस पैकेट पे उसका एक्सपायरी डेट देखिए, कभी आप घर लाके देखा कि भैया इसकी तो एक्सपायरी कल तक की और आप तो भूल ही गए थे उसको खाना, आपने उसको वेस्ट किया। ठीक है, शॉपिंग करते हुए इन सब चीजों का ध्यान रखिए। पेरिशेबल आइटम जो जल्दी से खराब हो जाती है, ठीक है, उनको जल्दी से स्टोर कीजिए, और नॉन पेरिशेबल आइटम्स जो थोड़ा लंबे समय तक चल जाती हैं उसको सूखी जगह पे रखिए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आप लाए हैं उसको पहले खा के खत्म करिए, वेट मत करिए कि इसको हम खा लेंगे, क्योंकि वो अल्टीमेटली खराब हो जाएगा। इस पॉलिसी को अपनाइए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एंड फाइनली, कीपिंग सेपरेट बिन फॉर एडिबल वेस्ट, जो हमें बिल्कुल करना चाहिए कि घर में जो एडिबल वेस्ट है, एडिबल वेस्ट कौन सा होता है, जो खाया जा सकता है। आपको पता है कि पहले हम लोग, हमारे घर में क्या होता था कि जैसे गाजर के छिलके हैं या किसी और फ्रूट के छिलके हैं, तो हम क्या करते थे, उनको अपने जो आसपास एनिमल्स होते थे उनको हम दे आते थे। तो एडिबल फूड को अलग इकट्ठा कीजिए और घर का जो बाकी कूड़ा कचरा है उसको अलग इकट्ठा कीजिए, अलग अलग उसको डंप करेंगे तो हमारा इतना खाना वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके ऊपर एमसीक्यू है, हम इनको करते हैं, अगर आपको पैसे समझ आ गया तो आप आराम से कर पाएंगे, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, पहला है, अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको FAO का नाम दिया गया है, नियरली 1.3 मिलियन टन्स ऑफ फूड, क्या होता है इतने फूड का, शुड बी आउट ऑफ द फूड चेन। ये हमारी फूड चेन में है ही नहीं। फूड चेन क्या होती है, जैसे खेती हुई, खाना वहां पे जो भी क्रॉप्स उगाई गई वो मार्केट तक आई, फिर मार्केट में उसका जो भी है उसको चेंज किया गया प्रोडक्ट्स में, जैसे अगर गेहूं है तो उसको आटे में चेंज किया, फिर पैकेजिंग किया गया, फिर उसको मार्केट में बेचा गया, फिर हमने वहां से खरीदा, तो ये सारा जो है फूड चेन का चक्कर है। आगे, ये इतना खाना लोग खा लेते हैं, कंज्यूम हो जाता है, ये वेस्ट हो रहा है ड्यूरिंग द सप्लाई या इज ग्रोन अराउंड द वर्ल्ड, इतना खाना उगा रहे हैं हम, तो इसका आंसर है बी, डेफिनेटली कि इतना खाना वेस्ट हो रहा है, पैराग्राफ के हिसाब से हमें यही समझ आ रहा है। आगे चलते हैं, द एनुअल अमाउंट ऑफ अर्बन FW मतलब फूड वेस्ट इन एशियन कंट्रीज कुड, अब हमें क्या लग रहा है कि कितना खाना एशियन कंट्रीज में होगा वेस्ट, या बढ़ेगा कि घटेगा। पहला कह रहा है घटेगा, डिक्रीज होगा इतने से इतना। दूसरा कह रहा है कि बिग कंटेनर्स में रखा जाएगा इतना खाना, या इंक्रीज होगा इतने से इतना, 278 से 416, या किसी और प्लेनेट पे भेज दिया जाएगा। तो इसका आंसर है सी, हमने पढ़ा था ना, इतना खाना जो है वो वेस्ट हो रहा है और बढ़ेगा ही।
ठीक है, तो इसका ए, इसका बी, इसका सी. आगे इन द सेंटेंस इनसिनरेशन ऑफ फूड डैश 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 एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, जो ये लाइन हमने ऊपर पढ़ी थी, इसमें इनसिनरेशन का क्या मतलब है? मैंने आपको इनसिनरेशन का मतलब पहले ही बता दिया था. इनसिनरेशन का मतलब होता है उसको जलाना. जैसे हम कुछ प्रोडक्ट्स को, हम जैसे कुछ वेस्ट को जलाते हैं, कुछ को डंप कर देते हैं, दबा देते हैं धरती के नीचे, तो ये है जलाना. इसको बोलते हैं बर्निंग ऑफ फूड वेस्ट. इसका आंसर है सी पार्ट. आगे चलते हैं बच्चों, तीन क्वेश्चंस हो गए हैं, बहुत इजी से आगे करते हैं इसको. हमारे पास तीन तीन चार क्वेश्चंस और रह गए हैं अभी. ओके, द फूड वेस्ट इज अल्टीमेटली नथिंग. फूड वेस्ट का क्या मतलब है, क्या है अल्टीमेटली नथिंग, बट क्या है? एक बेसलेस एक्यूजेशन है. ऐसी फालतू का इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर कि हम तो फूड वेस्ट करते ही नहीं है. फूड फॉर स्ट्रे एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल्स के लिए खाना है फूड वेस्ट का मतलब. ठीक है, सी पार्ट है साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, बहुत तरक्की वाली बात है इतना हम अगर फूड वेस्ट करें तो उसका मतलब हमारे देश में बहुत तरक्की हो रही है. ठीक है, आगे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ये एक तरह से रिसोर्सेज का वेस्ट कर रहे हैं हम. जैसे हमने लैंड रिसोर्स का वेस्ट किया, हमने खाने का वेस्ट किया, तो ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है. आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू अप्रोक्सीमेटली, मतलब ध्यान से समझना, यहाँ पे नॉट लगा रहा है, कौन सा जो शब्द है इसमें से अप्रोक्सीमेटली के साथ नहीं जाता है. अराउंड बिल्कुल जाता है, ठीक है, अराउंड तो होता ही है अप्रोक्सीमेटली. रफली हाँ जाता है, मोर और लेस जाता है, तो कौन सा नहीं जाता है, वो है प्रिसाइजली, क्योंकि प्रिसाइजली का मतलब होता है एक्यूरेटली, पक्के तरह से. आगे चलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आइटम्स पॉलिसी एट होम विल हेल्प इन. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है? कीपिंग द आइटम्स इन द फर्स्ट रो, कि खाने को एक रो में लगाओ. गेटिंग रिड ऑफ अनयूज्ड फूड, जो खाना नहीं आप खा रहे हो, अनयूज्ड उसको फेंको, किसी भी तरह से गेटिंग उसे उससे छुटकारा पाओ. फिनिशिंग ओल्डर आइटम्स फर्स्ट, पहले पुराने खाने को खाओ, जो पहले रहे हैं पहले उसको खाओ, ये नहीं कि जो आज लाए उसको पहले, जो कल लाए थे पहले उसको खत्म करो. नंबरिंग द फूड आइटम्स जी गए होंगे, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी पार्ट. ठीक है, फिनिशिंग ओल्डर आइटम फर्स्ट. लास्ट क्वेश्चन है, टू डू समथिंग अबाउट फूड वेस्टेज, खाने जो फूड वेस्ट है उसके बारे में कुछ करना, कोई जरूरत नहीं है करने की, सबकी इकट्ठी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, या टाइम का वेस्टेज है खाने को बचाना. तो आप समझ ही गए होंगे, ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबको मिलकर इसको करना पड़ेगा. ठीक है बच्चा, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा. अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट कराऊंगी, आप कनेक्टेड रहिए और आप डिटेल में उसको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, थैंक यू.